हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे कान्हा जी के फेवरेट माखन की, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से हम मलाई इकट्ठी करके मक्खन बना सकते हैं और उस मक्खन से बहुत ही टेस्टी घी निकाल सकते हैं, जो हमारा होममेड घी होगा या जिसे देसी घी भी कहते हैं। सो हम चलते हैं किचन में और देखते हैं कि कैसे निकलता है मक्खन से घी। ये है मलाई जो ऑलमोस्ट मैं 20 या 22 दिन से इकट्ठा कर रही हूँ। अच्छा, अब आप सोचोगे कि ये जो मलाई है भाई, इतनी हार्ड कैसे है, ये तो मलाई हो है, सॉफ्ट होनी चाहिए। ये इसीलिए हार्ड है बिकॉज इसको मैं जनरली समर्स में जो मलाई है बॉक्स, उसको मैं फ्रीजर में रखती हूँ ताकि वो सेफ रहे, अदरवाइज नॉर्मल फ्रिज में रखने से कई बार स्मेल आने लग जाती है मलाई की समर्स में। नॉर्मल विंटर है या रेनी सीजन है जब मौसम ऑलरेडी ठंडा होता है, तब आप नॉर्मल फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हो। अब मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ मलाई को मक्खन बनाने का प्रोसेस। मैं यूज करती हूँ जो हमारा मिक्सी का मिल्क शेक बनाने वाला जार है उसको यूज करती हूँ, अदरवाइज मेरे पास हैंड ब्लेंडर भी है उसको भी यूज करती हूँ। दोनों से बहुत अच्छे से मलाई निकल जाती है। आप चाहिए अगर आपके पास और कोई आप किसी और चीज को यूज करना चाहते हैं, कई लोग जो हाथ की मथनी होती है उसमें भी कंफर्टेबल होते हैं, तो उससे भी आप मक्खन निकाल सकते हो, बट उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, ये थोड़ा जल्दी हो जाता है। सो अब हम निकालना स्टार्ट करते हैं अपना मक्खन। मैंने इसमें जो हमारा मिल्क शेक वाला जार था उसमें मलाई को डाल के अच्छी तरह से घुमा लिया है। अच्छा, ये जो मलाई है फ्रीजर में अगर आपने रखी है तो उसको मक्खन निकालने के करीब 2 से 2.5 घंटे पहले फ्रिज से बाहर निकाल लीजिए ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, इट मीन्स थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड किया ताकि हमारी मलाई थोड़ी स्मूथली घूम पाए। आगे का जो रिजल्ट होगा वो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। में या हैंड ब्लेंडर से मक्खन निकालते हैं तो याद रखिएगा कि कंटिन्यूस नहीं चलाना है, 10 मिनट चला के उसको 2 मिनट का ब्रेक देना है आपको, क्योंकि किसी भी मशीन को आप अगर कंटिन्यूस ऐसे हार्ड उसमें चलाओगे तो खराब होने का भी डर होता है, थोड़ा गर्म हो जाती है मिक्सी या हैंड ब्लेंडर। तो 10 मिनट के बाद 2 मिनट का या 1 मिनट का ऐसे ब्रेक दे के दोबारा चलाना है। अभी इस जो टेक्सचर के साथ मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, ठंडा पानी जो मैंने फ्रिज से लिया है उसको मैं ऐड करूंगी और उसके बाद इसको दोबारा चलाऊंगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसा टेक्सचर आता है। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हो कि हमारी जो फर्स्ट स्टेज है मक्खन बनने की वो स्टार्ट हो गई है। ये कंटिन्यूस घुमाते हुए करीब मुझे अभी 20 मिनट हो गया है, ब्रेक ले लेकर मैंने किया है, 3 बार मैं राउंड घुमा चुकी हूँ इसका, और बीच में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ठंडा पानी ऐड किया था। सो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हो कि मैंने मिक्सी में बहुत अच्छे से चला के इसको एक बड़े डोंगे में निकाल दिया है। अभी आपको ये थोड़ा येलो कलर का दिख रहा होगा क्योंकि मैं गाय का दूध लेती हूँ, अगर आप लोग भैंस का दूध ले रहे हैं तो आपका कलर थोड़ा चेंज आएगा, और लेकिन घी दोनों ही मिल्क से बहुत अच्छा बनता है। अब यहाँ पर मैं इसमें थोड़े से आइस के टुकड़े डाल दूंगी, और आइस के टुकड़े डालने के बाद इसको रेस्ट करने के लिए हम लोग कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये आइस डालने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स करूंगी और उसके बाद करीब 10-15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही मैं छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं इसको आपको रिजल्ट दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हो कि आइस की वजह से ये हमारा जो मक्खन है अभी
इकट्ठा होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे मैं अपना हाथ यूज करूंगी अच्छे से क्लीन करके। अब ये देखिए, ये इस तरह से गोले बनने शुरू हो गए मक्खन के। अब इसको हम हाथ से इस तरह से गोला बनाएंगे और अपनी कढ़ाई में शिफ्ट करना शुरू करेंगे। आइस का पीस नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज वो पानी छोड़ेगा। जैसे ही आप गैस ऑन करोगे आइस पानी छोड़ेगा, आइस का पीस उसके साथ नहीं जाना चाहिए। इस तरह से हमें हाथ से गोले बनाने हैं और इसमें डाल देना है। सो फ्रेंड्स, अब मैं अपना गैस चालू कर रही हूँ और ये अब जो हमारा मक्खन है वो बनेगा घी, कन्वर्ट होगा हमारे कान्हा जी के प्यारे मक्खन को हम कन्वर्ट करेंगे यमी यमी घी में। सो फ्रेंड्स, इसको ना हमें बीच बीच में क्या कंटिन्यूस ऐसे ही चलाते रहना है और फ्लेम को हाई रखिए। आपका घी भी जल्दी बनेगा और आप जल्दी फ्री हो जाओगे। बस इसको ऐसे कंटिन्यूस चलाते रहना ताकि आपकी कढ़ाई में नीचे आपका मक्खन ना चिपके और घी से जलने की स्मेल या टेस्ट ना आए, इसलिए इस तरह से इसको कंटिन्यूस चलाते रहना है। थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है लेकिन उसके बाद घी जो बनेगा देखकर और खाकर मज़ा आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये देखिए करीब 10 मिनट हाई फ्लेम पे चलाते चलाते हमारा घी ऑलमोस्ट निकल गया है। अब ये जब झाग आने लग जाए ना, इस स्टेज में आके आप इसमें थोड़ा सा, ये देखिए इतना सा थोड़ा सा पानी हाथ में लेके इस तरह से डाल दीजिए। इस तरह से साउंड आएगा, लेकिन इसके बाद जब हमारा घी तैयार होगा तो बहुत ही दानेदार और बहुत ही स्वादिष्ट घी बनने वाला है। दानेदार घी बनाने का ये एक सीक्रेट है जो मैं यूज़ करती हूँ, इसलिए आज आपसे भी शेयर किया। जब आपका झाग बनने लगे मक्खन से, उस स्टेज पे आपको थोड़ा सा पानी इसमें छिड़क देना है और उसके बाद सिर्फ 5 मिनट आपको और चलाना है और उसको बंद कर देना है। थोड़ी देर कढ़ाई के हीट में हमें इसे छोड़ देना है और ठंडा होने के बाद छानना है। अभी मैं 5 मिनट और चलाऊंगी और फिर आपको दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, ये मैंने अपना घी तैयार करके छान लिया था। ये आप देख सकते हो कि अभी थोड़ा गर्म है, अभी जमा नहीं है। छनने के बाद ये इतना घी निकला है, कलर बहुत ही प्यारा आया है, येलो येलो कलर आया है। और अभी जमने के बाद भी मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊंगी कि किस तरह से ये दानेदार घी बनता है। और जो मैंने आज आपको सीक्रेट बताया है दानेदार घी बनाने का, वो किस तरह से काम करता है। सो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और ये हो गया फ्रेंड्स हमारा दानेदार घी तैयार। ये आप देख रहे हो कितना खूबसूरत घी बना, एकदम बढ़िया सा, और इसकी खुशबू भी बहुत खूबसूरत आ रही है। खाने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप भी इसी तरह से अपने घर में घी बनाइए और देसी घी अपने बच्चों को खिलाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फ्रूटफुल लाइफ ऑफ अभिरुचि। बाय, हैव अ नाइस डे।